दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी राशि के बारे में बताएंगे, एक ऐसे नाम के बारे में बताएंगे जिसका साथ अगर आपको मिल जाए, जिसका हाथ अगर आप थाम लें, तो यकीन मानिएगा उम्र भर यानी जीवन भर ये राशि आपका पूरा साथ देगी। हर सुख में, हर दुख में ये आपके साथ कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर चलेगी। तो ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए ये राशि सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगी, क्योंकि तुला राशि वालों, आपको धोखा देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, आपको अपमानित करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, जो आपको कदम कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु आपका अपना इस समय में कोई नहीं है। आपको बता दें, आपके अपने ही आपके दुश्मन बन बैठे हैं। सबसे ज़्यादा लकी राशि जो राशि है, इस राशि के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपको इस राशि का साथ मिल जाए, इस नाम का साथ मिल जाए, इस व्यक्ति, इस महिला का साथ मिल जाए, तो दोस्तों आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ आएंगी। आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इस राशि के साथ से आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाएगा, आप मालामाल हो सकते हैं और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अब विस्तार से जानेंगे कि आखिर वो राशि कौन सी है, वो नाम कौन सा है जो आपके लिए किस्मत वाली राशि कही जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भी राशि तुला है, तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहां तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। अगर आपकी भी राशि तुला है तो लाइक जरूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तुला राशि वालों, आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कंजूसी ना करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लें और शनिदेव का आशीर्वाद लें। मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको एक ऐसी राशि के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए लकी है, जो कि आपको कभी धोखा नहीं देगी, जिसका साथ अगर रातों रात आप पकड़ लें तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। इनके साथ से आपकी किस्मत चमक सकती है। तो देखिए, आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन की हर घड़ी तय होती है, यानी मनुष्य के जीवन में कब कौन सी घटना घटी है, कब कौन सी चीज़ होगी और अब कब उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से उसके जीवन में बदलाव आना है, क्या उतार चढ़ाव आने हैं, ये सभी चीज़ें हमारे शास्त्रों के अनुसार चलती हैं, ग्रह नक्षत्र के अनुसार चलती हैं, कुंडली के अनुसार चलती हैं। तो वहीं पर कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो हमारी शत्रु राशियां होती हैं, जो हमें बर्बाद कर देती हैं, जिनसे हमें धोखा मिलता है, कभी सच्चाई नहीं मिलती है, जो हमें झूठ बोलते हैं, झूठे सपने दिखाती हैं और एक दिन हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो मतलब के लिए हमसे बात करती हैं, जब इनका मतलब निकल जाता है तब ये हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो मित्रों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लोग आपसे मतलब के लिए बात करते होंगे, जब इनका मतलब निकल जाता है तब ये आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, और जब इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, यानी जब आपका बुरा समय आता है, तब आपका साथ देने वाला जीवन में कोई नहीं होता। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। शास्त्रों में कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि कब किस व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस राशि के लिए कौन सी राशि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होती है, भाग्यशाली होती है। ऐसे में आपको बता दें, तुला राशि वाले जातक पिछले कई समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत चिंतित चल रहे हैं, यानी इनके जीवन में दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, परेशानियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई मुसीबत आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कई सारे जातक इतने परेशान हैं, जो बोलते हैं, जब भी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं या जब भी जीवन में आगे कुछ करना चाहते हैं, कोई शुभ बदलाव करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में उस बदलाव के बजाय नई मुसीबतें हमारे गले पड़ जाती हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, हमारा भाग्य बहुत ख़राब चल रहा है, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि हम जब भी किसी नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है, हमारी नौकरी नहीं लग पाती है, पढ़ाई में हमें सफलता नहीं मिल पाती है। कुल मिलाकर अगर बात करें, जिस क्षेत्र में भी हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, वहाँ से हमें केवल दुख मिलते हैं, संकट मिलते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, असफलता का चेहरा हमें देखना पड़ता है। देखिए, ऐसे में आपको बता दें, किस जीवन साथी का हाथ आपको थामना चाहिए या किस मित्र का साथ आपको पाना चाहिए, जिससे वो आपको सही राह दिखा सके और आपके जीवन को सफल बना सके। ऐसे में आपको बता दें, कई शास्त्रों में एक ऐसी राशि तुला राशि के लिए दर्शाई गई है, जिसका साथ अगर आपको मिल जाए तो आपके जीवन से दुख दूर होंगे,
साथ ही आपके जीवन में खुशियों की बहार आने लगेगी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार यदि बात की जाए तुला राशि के लिए तो एक सबसे ज़्यादा शुभ राशि मानी जाती है, वो राशि है मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वाले जातक, चाहे फिर वो आपके कोई करीबी हो या दूर के हों, व्यक्ति हो या फिर मीन राशि का पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, इन राशि वाले जातकों का साथ अगर तुला राशि को मिल जाए तो कहा जाता है कि तुला राशि के भाग्य का सितारा चमक जाएगा। यानी कि तुला राशि के जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, वो जो दिक्कतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। हालाँकि तुला राशि वालों, आज मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ आपके जीवन की, आप चाहें तो इसको नोट करके अपने पास रख सकते हैं। आप जितना परेशान होते हैं उतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुला राशि वालों, जब आपका सही समय आता है तभी आपको वो सब कुछ मिल जाता है जिसके आप सपने देखते हैं, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं कि हमारी भी गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे पास भी सब सुविधाएं हो, एक सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी हो। तो मित्रों, आपको बता दें, भगवान एक न एक दिन आपको ये सारी चीज़ें दे देते हैं, परंतु वक्त से पहले, समय से पहले आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप हमेशा जल्दबाजी में भी रहते हैं, ये जल्दबाजी अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जब आपका समय आएगा, ठीक समय आएगा, भगवान आपको वो सारी चीज़ें दे देंगे जिसके आप हकदार हैं, जो जो आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, परंतु आपको संयम से काम लेना होगा। शास्त्रों में एक मीन राशि ऐसी दर्शाई गई है जो तुला राशि के लिए सबसे शुभ है, सबसे लकी है। ऐसे में आपको बता दें कि राशियों का एक होना ये नहीं बताता कि आप उनसे शादी करें, विवाह करें या उम्र ज़िंदगी भर के लिए उन्हें अपना जीवन साथी बना लें, ऐसा नहीं है। हाथ थामने का अर्थ केवल इतना है कि अगर आप एक तुला राशि के जातक हैं और आप अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, तो तब मीन राशि का कोई भी एक जातक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपकी किस्मत को बदल सकता है। यानी मीन राशि का व्यक्ति आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ये जीवन साथी के रूप में आपके जीवन में आ गया तो फिर तो सोने पर सुहागा है, फिर चाहे वो कोई पुरुष हो या महिला हो, कोई मायने नहीं रखता, बस आप चाहें तो ऐसे में जीवन साथी के रूप में आप इन्हें अपना सकते हैं, तो आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा होगा। लेकिन अगर मीन राशि का साथ आपको एक शत्रु के रूप में या एक गुरु के रूप में मिल जाए, तो आपको बता दें, मित्र के रूप में या फिर गुरु के रूप में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। हमने शत्रु, यहाँ पर शत्रु नहीं, यहाँ पर मित्र होना चाहिए। मित्र या फिर आपको गुरु के रूप में मिल जाए तो ध्यान रखें, ऐसे लोगों का साथ आपको थाम लेना है। और देखिए, अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपके घर में या आपके परिवार के आसपास मीन राशि का रहता है और भरोसे लायक है, यानी वो व्यक्ति अगर सच में आपका भला चाहता है, तो आप उनसे अपने दुख की बात कर सकते हैं, उनको अपना दुख दर्द बता सकते हैं, उनको अपना साथी बना सकते हैं। बस ध्यान रखें, ये केवल जीवन साथी चुनने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप इनका साथ एक मित्र के रूप में भी, मित्र के रूप में या फिर गुरु के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि मीन राशि का जातक आपको ऐसी सलाह देगा, आपकी ऐसी सहायता करेगा कि आपके जीवन में जितने भी दुख चल रहे हैं, जितने भी संकट हैं, वो इनकी सहायता से धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे। क्योंकि देखिए, जीवन में एक ऐसा आदमी होना चाहिए, एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिसको हम अपने दिल का हाल बता सकें, और हमारा जब हम वो हाल बताएंगे तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। परंतु जीवन में तुला राशि वालों, आप जिनको अपने दिल का हाल बताते हैं वही आपका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि मीन राशि वाला अगर आपको मिल जाए तो आप उससे अपने गिले शिकवे बता सकते हैं। जब तुला राशि किसी की मदद पाना चाहती है तो इनको इनके भोलेपन के चलते, इनकी मासूमियत के चलते, इन लोगों को हर कदम पर मदद के नाम पर केवल धोखा मिलता आया है। ऐसे में तुला राशि के जातक ज़्यादातर अपने जीवन में धोखा और दुख से ही परेशान हैं। तो देखिए, हम आपको यही बताना चाहेंगे, किसी अनजान व्यक्ति पर एकदम से भरोसा आपको नहीं करना है, फिर चाहे वो मीन राशि का ही व्यक्ति क्यों ना हो। इससे अच्छा है कि फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करें जो किसी भी राशि का हो, क्योंकि दोस्तों, नाम की राशि अलग होती है और हमारे कुंडली की राशि अलग होती है। इसलिए आप पहले देख लें कि उसकी राशि क्या है, वो आपका सगा हो, आपका साथी हो, तो आप उसे अपने दुख दर्द बता सकते हैं, वो आपके हर सुख में, हर दुख में खड़ा हुआ दिखाई देगा। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में है या रिश्तेदारी में है तो आपको किसी भी हाल में उसका हाथ नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे या उनकी मदद लेंगे जो मीन राशि का है, तो आपकी समस्याओं का हल यूं ही आपको मिल जाएगा। परंतु अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप दुखी हैं, जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हैं, फिर ऐसे में आपको मीन राशि के सच्चे साथी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर आप मीन राशि के व्यक्ति से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, तो आप जीवन में समस्याओं का जिक्र उनसे करेंगे, तो यकीन मानिएगा, ये मीन राशि का जो पुरुष होगा या महिला होगी,
आपके सारे कामों को पूरा कराएंगे, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं इनका अंत होगा। तो दोस्तों आपके लिए ये सबसे शुभ राशि है मीन राशि, इसको आप अपने जहन में बिठा लें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।